और अब बात करेंगे इश्कबाज दारोगा की। जी हाँ, शादीशुदा होते हुए कोई शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए तो उसे गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन कानून के रखवाले अगर ऐसा करें तो कानून की आंख में पट्टी बंध जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इश्कबाज दारोगा की वो कहानी सामने आई है जहां उसने एक युवती को शादी का झांसा दिया और फिर उसे अपने साथ भगा ले गया। देखिए ये रिपोर्ट। पहले लड़की को दारोगा बनाने का दिया झांसा, फिर लड़की को लेकर फरार हुआ दारोगा। इस बार दारोगा की करतूत से खाकी पर दाग। यूं तो यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है, लेकिन ये मामला यूपी पुलिस की बहुत किरकिरी करा रहा है, क्योंकि जिस दारोगा की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसने पहले तो एक लड़की को शादी का झांसा दिया, फिर उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, वो भी तब जब दारोगा खुद शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता है। ये पूरा मामला संत कबीर नगर के शहर कोतवाली खलीलाबाद का है, जहां एक वृद्ध पिता ने जिले में तैनात दारोगा हंसल अंसारी पर अपनी बेटी को जबरदस्ती भगा ले जाने का आरोप लगाया है। मई के महीने में चिलचिलाती धूप में एसपी ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट का चक्कर काट रहा ये बाप अधिकारियों के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोपी युवक महकमे का दारोगा है, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस वक्त भी पीड़ित पिता की नादान बेटी दारोगा की शिकंजे में। मेरे लड़के को हंजल अंसारी जो है अगवा करके ले गए, कचहरी में 100 रुपए का नोट भी बनवा करके, और आज तक मेरी लड़की का पता नहीं है, जिसकी सूचना हमने हर जगह डीएम साहब के वहाँ और एसपी साहब के वहाँ और आईजी दया डी आई जी गोरखपुर के वहाँ हमने एसएससी भी किया है और जाकर अपनी कहानी बताई है, अपनी बात भी बताई है, और लेकिन अभी तक कोई मेरा एफआईआर भी नहीं लिखा गया है। महाराजगंज निवासी मोहम्मद हंजल अंसारी बीते कुछ दिनों तक पुलिस लाइन खलीलाबाद में दारोगा के पद पर तैनात रहे। इस दौरान हंजल अंसारी की नज़र पीड़ित पिता की बेटी पर पड़ी, तभी से वो उसका पीछा करने लगा। युवती को रास्ते में रोकता, उससे बातें करता और दारोगा बनाने का झांसा देता। पीड़ित परिवार का कहना है कि चालबाज दारोगा ने उसे अपनी बातों में इस तरह फंसा लिया कि वो नासमझ उसके झांसे में आती चली गई। इतना ही नहीं, पढ़ाई के सिलसिले में जब पीड़ित पिता ने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा तो भी दारोगा हंजल अंसारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ भी उसकी बेटी से मिलने जाया करता, बेटी के अकाउंट में पैसे भेजता। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी को लुभाने के लिए दारोगा ने जितनी बार भी अकाउंट में पैसे भेजे उसके सारे बैंक डिटेल्स उनके पास है, लेकिन सारे पुलिस अधिकारियों को सबूत देने के बाद भी पुलिस ने दारोगा पर कार्रवाई नहीं की। डिटेल से हमको पता चला कि हंजल अंसारी, हमीदुल्ला खान और कई सहयोगी हैं, जो मतलब उसके अकाउंट में पैसा डालते हैं। फिर हम गए वहाँ दिल्ली के। कितना पैसा लगा? अरे अभी 2018 में तीसरे महीने में सब कुल मिला के 2018 में करीब 3.25 लाख रुपया आया। एक घूस का पैसा डलवा करके हमारे लड़की के अकाउंट में, उसको लड़की को भी मेरे मानसिक शारीरिक शोषण करता था और उसके अकाउंट का भी गलत प्रयोग करता था। उसके बाद लड़की से पूछने के बाद बताया उसने कि अंजल अंसारी ने हमको पुलिस में नौकरी दिलवाने के लिए और हमसे शादी करने के लिए कहा था। दारोगा अंजल अंसारी पर अपनी बेटी को जबरदस्ती भगा ले जाने का आरोप लगाने वाले पीड़ित पिता की माने तो पुलिस अधिकारी इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी निराशा में पीड़ित पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। हेलो हेलो, हाँ अंजला बोल रहे हैं? जी अंजल बोल रहा हूँ। जी हम ठीक है भाई, बोल रहे हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम, सब ठीक है? हाँ ठीक है। ये बताइए कि तमाम चीजें निकल के आई, पैसा कहीं ग्रीन कार्ड से, कहीं अकाउंट से, कहीं वैसे डल करके है, और ये तमाम चीजें, इतनी वीडियो, इतना मैसेज सब, हालांकि अब उसका तो पिन ड्राइव में सब ले लिया है कॉपीज कर ली है कहीं। शादी का झांसा देकर लड़की भगाने वाले दारोगा की करतूत तो देखिए, वो युवती के परिवार के एक शख्स को जानता है
जब भी उसके परिजन हंजल अंसारी को फोन करते हैं, ये दरोगा उनसे बात भी करता है। लेकिन पीड़ित परिवार जब अपनी बेटी को वापस भेजने की बात करता है तो दरोगा उन बातों को टालने लगता है। तो आप अभी तक इनको शादी का झांसा दे करके इनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी करते रहे? नहीं सर, कोई झांसा भी करने दे, लेकिन तो परेशान थी, मेरे पास आई थी। नहीं सर, ये था ये कि आप मैंने कि आप जब शादी शुदा हैं है, और इन शादी तो विदाउट तलाक के तो अगर हो गया होता, ठीक है ना, शादी शुदा रहते हुए कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तो शादी ज्यादा नहीं हुआ। आप तो मतलब अब इंस्पेक्टर हो गए हैं, आपको हमको कानून बताना पड़ेगा। नहीं हाँ, फिर अगर आपकी बीबी शिकायत करेगी तो तब तो 498 बन जाएगा, वो तो अलग बात है। कानून के रखवाले ही कानून का मजाक बना रहे हैं। पुलिस भलीभांति जानती है कि पत्नी होते हुए भी अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे तो पहली बीवी को तलाक देना जरूरी है। लेकिन यहाँ दारोगा जिस युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ रखे हुए है, वो दारोगा पहले से शादीशुदा है लेकिन तलाकशुदा नहीं। कानून के रखवाले ने ही कानून का मजाक बनाया, लेकिन बावजूद इसके दारोगा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार।